नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन वर्मा। आइए नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चार लोगों को मिली फांसी की सजा को बरकरार रखने की गृह मंत्रालय की सलाह को दरकिनार करते हुए उम्र कैद में बदल दिया है। बता दें, इन चारों को 1992 में बिहार के 12 नरसंहार कांड में 34 अगड़ी जाति के लोगों की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बिहार में शराबबंदी को लेकर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई। इस मानव श्रृंखला में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राज्य के सभी राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। 28 और 29 जनवरी को राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सर्ववैश्य सम्मेलन की तैयारी की समीक्षा बैठक हुई। साथ ही यह बैठक वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष लाभचंद बफाना की अध्यक्षता में नेशनल कॉरपोरेट पार्क रायपुर में हुई। इस कार्यक्रम में बाफना जी ने वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया और सम्मेलन में सभी वैश्य समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए कहा। इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, छत्तीसगढ़ शासन में मारफेंड के अध्यक्ष और वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधाकृष्ण गुप्ता और प्रेम सिंघानिया और प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और अनपढ़ लोगों के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आधार पे का सहारा ले रही है। बता दें, इस आधार पे से सिर्फ फिंगरप्रिंट के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पूरा किया जा सकता है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू मार्केट की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। वहीं शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। फिलहाल सेंसेक्स ने 108 अंक चढ़कर 27,143 अंक पर कारोबार किया, जबकि निफ्टी 40 अंक ऊपर जाकर 8,390 अंक के स्तर पर। चीन की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा का बड़ा बयान। जैक ने कहा, अमेरिका की खराब वित्तीय या आर्थिक स्थिति के लिए वे महंगे महंगे युद्ध जिम्मेदार हैं जो कि अमेरिका ने लड़े हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 कंटेनर में 3600 पेटी शराब जब्त की। बता दें, ये शराब हरियाणा से भरकर इंदौर के जरिए गुजरात भेजी जा रही थी। वहीं जब्त की गई शराब की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार की सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के विधायक और पूर्व मंत्री ददन पहलवान बैंक के डिफॉल्टर हो गए हैं। बता दें, अपने पहलवानी के लिए मशहूर रहे ददन राबड़ी सरकार में राज्य मंत्री और फिलहाल जेडीयू के डुमराव से विधायक हैं। बिहार में शराब मामले में एक जुवेनाइल अदालत ने एक किशोर को दलित क्षेत्र में छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने और उसके बाद अदालत में मरीजों की सेवा करने की सजा सुनाई है। बता दें, किशोर शेखपुरा जिले में शराब बेचते हुए पकड़ा गया था। रायपुर में स्टेट बैंक के टिगरा पारा शाखा की महिला कैशियर ने 15 लाख का गबन कर दिया। बता दें, मशीन में गड़बड़ी का हवाला देकर वे पैसे एंट्री में हेरा फेरी करती और 7 महीने के दौरान उसने इतनी बड़ी रकम का गोलमाल कर दिया। मेरे साथ वैश्य व्यापार न्यूज में फिलहाल इतना ही। व्यापार से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहे वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।